हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैंडिड ट्रीट। तो आज की रेसिपी है केक कीवी जेली स्लाइस की। तो आप इन स्लाइसेस को छोटा भी बना सकते हैं या फिर किसी बड़े मोल्ड में डाल के बड़ा भी बना सकते हैं। तो इस मिनी डिज़र्ट को बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनता है। तो सबसे पहले हमें कीवी जेली बनाना होगा, जिसके लिए यहाँ मैंने एक कीवी लिया है जिसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। और अब इस कीवी प्यूरी को एक बर्तन में निकाल लें और उसमें डालें 2 टेबलस्पून के करीब शुगर और 1 से 2 टेबलस्पून पानी और बहुत ही थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर। और कीवी जेली बनाने के लिए इसमें डालना होगा अगर अगर पाउडर। तो यहाँ मैंने मरून ब्रांड की अगर अगर पाउडर यूज़ की है। तो आप इस अगर अगर पाउडर को जेलेटिन की जगह पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये प्योर वेजिटेरियन है। और आप इस ब्रांड की अगर अगर को अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट कहीं से भी बहुत ही ईजिली बाय कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाला है 1/2 टीस्पून अगर अगर पाउडर और अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। और उसके बाद इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाना होगा। तो यहाँ मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 मिनट के लिए पकने दिया। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे थोड़ी देर के लिए मिक्स करते हुए ठंडा कर लें। और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसे साइड रख दें। और अब हमें एक केक बेस तैयार कर लेना है। जेली के सेट होने से पहले आप इसे कर लें। तो यहाँ मैंने ब्रिटानिया का केक लिया है। यहाँ मैंने रेडीमेड यूज़ किया है, आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे सेट करने के लिए मैंने इसी का मोल्ड भी यूज़ किया है, आप इसे किसी भी चीज़ में सेट कर सकते हैं। तो इन केक्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लें और उसके बाद इसे हमें मोल्ड में रख देना है। और अब इन केक्स को मोल्ड में रखते जाएं और इसे अच्छे से पैक कर दें। तो सारे केक के पीसेस लगाने के बाद इसे आप हल्का सा प्रेस कर दें। और प्रेस करने से ये होगा, जब आप इसे अनमोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और एक साथ एक लेयर में निकलेगा। तो हमारी केक की लेयर हो गई है रेडी। अब इसके ऊपर जल्दी से डाल दें कीवी जेली और इसे डालने के बाद इसे रख दें सेट होने के लिए फ्रिज में। जब तक कीवी लेयर सेट हो रहा है तब तक हम इसकी तीसरी लेयर बना लेते हैं, जिसके लिए एक सॉस पैन में 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी लें और 1/3 टीस्पून के करीब अगर अगर पाउडर डालें। और इसे भी हमें लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाना होगा या तब तक जब तक कि अगर अगर अच्छे से पानी में मिक्स ना हो जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें पानी बहुत ही कम है और आप इसे लो फ्लेम पर ही करें। और जब अगर अगर मिक्स हो जाए उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दें। और यहाँ मैंने हैवी क्रीम को पहले से हल्का सा व्हिप करके रखा था, तो यहाँ आप हैवी क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से आप 3 से 4 टेबलस्पून अलग बोल में निकाल लें जिसमें हम अगर अगर मिलाएंगे और इससे ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो क्रीम में मिलाने से पहले इस अगर अगर को आप हल्का सा ठंडा कर लें और उसके बाद इसमें डाल दें। तो यहाँ मैं इस क्रीम में 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब ही अगर अगर डाल रही हूँ। इसमें मैंने पूरा नहीं डाला है क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा हार्ड सेट नहीं करना, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सेट होना चाहिए। तो अगर अगर डालने के बाद आप इसे जल्दी से मिक्स कर दें और इसके सेट होने से पहले इसे हमें कीवी जेली के ऊपर डाल देना है और अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखें। ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। और सेट होने के बाद आप इसके मोल्ड से इसे निकाल लें और उसके बाद आप इसे थोड़े से और क्रीम के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो थी ना ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ईजी, क्योंकि इस डिलिशियस डिज़र्ट को बनाने के लिए हमें कोई भी अलग से मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस केक को हमने यूज़ किया इसमें उसी के मोल्ड से हमने इस डिज़र्ट को भी बना लिया। और इसके ऊपर डाल दे थोड़ी सी कीवी जेली और इस कीवी जेली को भी हमने उसी कीवी जेली मिक्सचर से बनाया है। उसमें जितना भी बचा था मैंने दूसरे में सेट कर लिया और उसे छोटे पीसेज में काट लिया।
सो हमारी केक कीवी जेली डेजर्ट हो गई है रेडी। आप इसे सर्व करने से पहले इसे छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लें और आप इस डेजर्ट को स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में 4 से 5 दिनों के लिए।